गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार, मैं हूँ अमेरिकाशन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मैंने अपने ब्लॉग का ना स्टार्टिंग ही नहीं लिया था, मैं भूल गई थी। एंड अभी मैंने देखा कि मैंने तो स्टार्टिंग लिया ही नहीं है आप लोग के साथ में। एंड जल्दी से जाओ आप मेरा जो मैंने चिकन चटपटा चिकन राइस बॉल बनाया है और बाउल बनाया है, और मैंने बनाया है पनीर फजीता राइस बाउल, तो दोनों की रेसिपी देखो, फिर उसके बाद में मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चटपटा राइस बाउल। मेरे पास बाउल नहीं था तो मैंने ये प्लेट में ही डेकोरेट कर दिया था। चलिए चलते बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें तीन बड़े चम्मच के करीब ऑयल लिया है, जिसमें से भी एक चम्मच लिया था बाद में मैंने ऐड किया था, तो आप एक साथ ही ऐड कर देना। आधा कप स्लाइस करा हुआ प्याज लिया है, जिसको पतला पतला मैंने एकदम स्लाइस कर लिया था। अच्छे से उसे सौते करेंगे तब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। एंड कलर चेंज होने के बाद बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसी में मैं डाल दूंगी तुरंत ही चिकन। आधा कप मैंने चिकन लिया था जिसको बिल्कुल छोटे छोटे चॉप कर लिया था। एंड एक चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। एंड एक चम्मच चॉप करा हुआ हरा मिर्ची डाल दी थी, हरी मिर्ची की फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और तीन चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे दही डाली थी, और इसके साथ में मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। दही जब भी आप डालो ना तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना होता है, नहीं तो दही फट जाती है। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया का पाउडर, एक पिंच फूड कलर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड करा है। होममेड मैं गरम मसाला पाउडर यूज़ करती हूँ। एंड सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे से इसे सौते करना है, तब तक जब तक इसका जो चिकन है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता, क्योंकि मैं बिना पानी में डाले ही पकाती हूँ। एंड जो इसमें से पानी ड्राई होता है तो उसमें ही बहुत अच्छे से ये पक जाता है। चिकन यहाँ पे बहुत अच्छे से पक चुका है, बस थोड़ा सा मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है ताकि ये एक बॉईल आ जाएगा ना, तो जो इसकी प्याज है वो थोड़ी सी गल जाएगी एंड मसाला बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे खोल के थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, डाल के ढक दिया है। जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा तब तक मैं चावल को फ्राई कर लेती हूँ, एंड उसके बाद में मैं इसको सर्व करूँगी। और चावल को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच घी लिया है, एक चौथाई चम्मच जीरा लिया है, और एक कप के करीब मैंने यहाँ पे चावल लिया है। चावल को अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और फ्राई कर लिया है। चावल हमारा बनके रेडी हो गया है, बस मैं प्लेट में इसको सर्व करूँगी। ताकि मेरे पास में बाउल नहीं था, बड़ा ऐसा कोई बाउल नहीं था जिसे मैं बहुत अच्छे से सर्व कर सकूँ और मैशी भी ना हो, छोटे बाउल थे जिसमें वो बिल्कुल मैशी हो जाता है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्लेट में इसको सर्व कर दिया है, एंड थोड़ी सी हरी धनिया से ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने यहाँ पापड़ लगाया, पापड़ बहुत ज़्यादा सील गया था तो ये मतलब सिक नहीं रहा था, और मैं यहाँ पे फ्राई करा हुआ नहीं लिया, सिका हुआ लिया है। थोड़ा सा सैलेड से डेकोरेट करके एंड बस सर्व कर दिया है। उसके बाद मैंने बनाया है पनीर फजीता राइस बॉल, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का ये भी बना था। और इसको तो मैंने खाया था, पर वो मेरे पापा ने खाया था, तो मम्मा पापा है सब लोगों ने खाया था, तो मुझे उसके बारे में वो भी उन लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पर ये तो मैं लेकर आई थी इसको एंड मैंने अपने ऑफिस में खाया था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। सबसे पहले मैं मैरिनेट कर लेती हूँ पनीर को। इसमें मैंने लिया है एक चौथाई कप के करीब मैंने यहाँ पे दही लिया, और सारे मसाले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे मसाले लिए। नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, एक पिंच फूड कलर। स्क्रीन पे मेरी पूरा दिख रहा है मेजरमेंट, मैंने जितना भी डाला है इसमें। एंड उसके बाद अच्छे से इसे फेटेंगे। फेटने के बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया। पनीर को मैंने ऐसे लंबा लंबा शेप में कट कर लिया, आप कोई भी इसमें शेप में कट कर सकते हो। एंड उसके बाद अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, थोड़ी देर मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल लिए हैं, और ये मैरिनेट करा हुआ पनीर को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि क्योंकि पनीर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, बस इसका जो दही है और सारी चीज़ें वो अच्छे से मसाला पक जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा प्याज, आधा शिमला मिर्च और आधा टमाटर का टुकड़े मैंने यहाँ पे कट करे हैं लंबे लंबे, उसको भी अच्छे से सौते करा है दाल के साथ में। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरे कढ़ाई में यहाँ पे 2 चम्मच तेल लिया है, यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के चॉप करा हुआ प्याज लिया है, और आधा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, और 2 बड़े चम्मच चॉप करा हुआ मैंने टमाटर लिया, थोड़ा थोड़ा सा एक एक पिंच मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है और आप इसको ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद सौते किया है जो मैंने पनीर बना रखा, तो उसको इसमें मिक्स करा है। मिक्स करने के बाद में सबको अच्छे से यहाँ पे फ्लेम लो कर देंगे, नहीं तो पनीर चिपक जाएगा तो वो टूटने लगेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म मसाला और ऐड किया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, एंड थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, और हमारा जो पनीर है बन के रेडी हो गया। मैंने चावल को भी बिल्कुल बस तेल डाला, घी जीरा डाला, घी जीरा एंड उसमें मैंने चावल को भी फ्राई कर लिया है। एक
प्लेट में मैंने आधा चावल और आधा मैंने पनीर को सजाया है, और उसके बाद मैंने सैलेड से इसको डेकोरेट कर लिया। मुझे ऐसा डेकोरेट करके खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा घर में कभी भी किसी को भी सर्व करती हूँ तो ऐसे डेकोरेट करके ही करती हूँ। हाय गाइस, आज है फ्राइडे, आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैं जा रही हूँ, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत सारा काम था और अभी मैं आई हूँ वजू बना के। बस नमाज पढ़ना है मुझे, और पर मैंने सोचा कि पहले मैं पंसूरा पढ़ती हूँ तो वो पढ़ लेती हूँ, और सबसे पहले मैं ग्रीन टी पीती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। इतने टाइम होता है मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मैं बहुत सुबह उठती हूँ एंड घर के काम उसके बाद यहाँ पे तो थक जाती हूँ इस टाइम पे थोड़ा सा, फिर इसके बाद फिर से मैं एक्टिव हो जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ ग्रीन टी और उसके बाद पढ़ूंगी पंसूरा, फिर पढ़ूंगी नमाज। चलिए चलते हैं, पी लेते हैं ग्रीन टी, फिर मिलते हैं आपको। गाइज ये है मेरी ग्रीन टी, एंड बस अभी मेरी नेल्स ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं क्योंकि ना मैंने नेल पेंट लगा रखा था तो उसको रिमूव करा है, फिर उसके बाद मैंने वजू करे हैं तो इसलिए ना थोड़े थोड़े से ग्रीन हो रहे हैं, आप देख सकते हो अजीब से लग रहे हैं तो, पर ये सही हो जाएंगे। सबसे पहले पी लेती हूँ मैं ग्रीन टी। मैं पढ़ लेती हूँ पंसूरा क्योंकि कौन कौन फ्राइडे वाले दिन पंसूरा पढ़ते ही पढ़ता है। मैं लाजमी पढ़ती हूँ, या तो मैं सुबह पढ़ती हूँ, मैं मुझे सुबह टाइम नहीं मिला तो मैं अब पढ़ने जा रही हूँ। और आप लोग जुम्मा वाले दिन कौन कौन सी दुआएं पढ़ते हो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना अगर पढ़ते हो तो, और पंसूरा पढ़ते हो कि नहीं ये भी मुझे कॉमेंट बताना। और चलिए चलते हैं, पढ़ लेती हूँ फिर मिलती हैं आपको। हमारी नमाज हो गई डन एंड पंसूरा भी मैंने पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ लिया है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि अभी बज रहा है 2:30 और बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लग रही है। तो चलिए चलते हैं, आज मेरे लंच में है क्या वो आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा पहले रेडी हो जाते हैं फिर उसके बाद खा लेते हैं क्योंकि सुबह से मैं ऐसे ही बनी बैठी हूँ, और फ्राइडे था तो इसकी वजह से मुझे था कि भी नमाज़ पढ़ना है और सारी चीज़ें भी नहीं, ठीक है बाद में कर लूँगी। तो बस चले चलते हैं, पहले थोड़ा सा रेडी होते हैं फिर अपना लंच निकालते हैं। आप देखो गाइस, मेरा ये है प्लेट और मैंने यहाँ पे इस तरह से खाया है इसको, इसको भी मैं डेकोरेट करके और फिर मैं खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा मज़े का था। आप लोग लाजमी ट्राई करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर वाला लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना। वो हमारी वीडियो देखी होगी आपने, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बाय गाइस। मैं अभी से अपनी एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँगी क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि ये व्लॉग मैंने अभी एंडिंग कर देना है और न्यू व्लॉग में बनाऊँगी इसके बाद से। बाय गाइस।